नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कार की मांग पूरी न होने पर लालची पति हैवान बन गया। जहां अपनी मां और भाइयों के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतारने के चक्कर में उसकी टांग तोड़ डाली। जी हां, पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव नगला रियावली का है, जहां बीमार चल रही सितारा पत्नी हाशिम को उसकी मां हनीफा दवाई दिलवाकर उसके ससुराल नगला रियावली लेकर पहुंची, तो पहले से ही तैयार बैठे सितारे के पति हाशिम ने अपनी सास हनीफा से यह कहते हुए कि तुम फिर इसे खाली हाथ लेकर चली आई, जबकि मैंने सितारा को उसके घर से कार लाने के लिए कहा था। जब तुम्हारे लड़के यानी उसके साले असलम को उसके ससुराल वालों ने शादी में कार दी है, तो तुम मुझे कार क्यों नहीं दे सकते। यह कहते हुए हाशिम, आरिफ, साहिबान और उसके साथ समीना ने एक राय होकर मारपीट करनी शुरू कर दी। जहां किसी तरह जान बचाकर सितारा की मां हनीफा वहां से भाग निकली, लेकिन सितारा को सभी ने फावड़े के बिंटे से तब तक मारा जब तक सितारा बेहोश नहीं हो गई। बिंटे की पिटाई से सितारा की टांग टूट गई। सितारा की मां को घर से निकालकर सितारा को उसके ही ससुराल में बंधक बना लिया गया। सितारा के परिवारजन रतनपुरी थाने पहुंचे, लेकिन 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के कारण थाने पर फोर्स मौजूद नहीं मिला। जहां 6 जून को रतनपुरी थाने की फोर्स ने सितारा को उसके ससुराल से बंधन मुक्त कराकर बुढ़ाना CSC भर्ती कराया, जहां सितारा की गंभीर अवस्था के चलते सितारा को मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां सितारा की टांग का ऑपरेशन हुआ और सितारा फिलहाल जिला अस्पताल की महिला वार्ड में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की और उसे इंसाफ दिलाए जाने की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि उसके दोनों बच्चे भी ससुराल वालों ने कहीं छुपा दिए हैं और उन्हें उसे देने से मना कर रहे हैं। हमारी बहन को जी दवाई दिलवा रहा था, 1 साल से बीमार है। हम दवाई दिलवा गए, मेरी अम्मी से छोड़ने गई घर पे, इसके वहाँ जाते ही उसके देवर ने, इसके आदमी ने और इसके जेठ ने इसे पिटी जी, हाव लेके बिंटे से, फिर 3-4 जनों ने इसे पीट दी जी। फिर क्या नाम, हमारी अम्मी थी वहाँ, हमारी अम्मी को भगा दिया, हमारी बहन को भगा दिया, फिर इसे बंधक बना लिया। फिर हम अगले दिन पुलिस को ले जाके इसे लाए जी, फिर पुलिस ने इसे भर्ती करवा दिया हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी हमारी। बस इंसाफ चाहें हम तो, बस जी मांग के हमें कार दो, तुम्हें कार मिली। दो बच्चे जी, बच्चे फरार कर रखे थे उन्होंने कहीं, पुलिस कार्रवाई कोई नहीं हो रही जी। क्या चाहते हो आप? बस जम तो इंसाफ चाहे जी। हर रेकी नंगला मुझे पिटी, मेरा आदमी ना, मेरे जेठ ने, मेरे देवर ने, हाशिम, आरिफ, साहिबान, फाव लेके बिंटे से कार चाहिए। हाँ, मेरे भैया की शादी में कार मिली ना, हमें भी कार दे। मेरे पे दो लड़के, एक तो 6 साल का साथ में लग रहा, एक 5वीं साल में लग रहा। बच्चे मेरे फरार कर दिए, कह दे हम तुझे रखे नहीं, बच्चे हम देवे नहीं। पीटने के बाद मेरी अम्मी को भी खेद दी, मेरी बहन गई उसे भी खेद दी, कह दी तुझे जान से मारेगा, तेरी दूसरी भी तोड़ेगा, घर से न हर को किसी को बढ़न दे, न रिश्तेदारों को, न तुझे जान दे कभी भी। मुझे जब मैं पीटी टली, मेरी टांग टूट गई। मेरे बाद में फिर मेरी जिठानी आई, जब उन्होंने तू बिल्कुल ही जान से मारेगा कर, मेरी दौरानी आई, जब उन्होंने छुटाया, जब मेरी टूट भी गई ना, उनके आगे मेरे बाल पकड़ कर पाड़े खड़ी हो, रोटी पका मकान भर है, उन्होंने कह रहे तो इसे जान से मारेगा का छोड़ दे, जब उन्होंने हटाया। पुलिस, हाँ पुलिस लाई, फिर मुझे उठवा कर, जब आन नहीं दे रहे थे पुलिस ने करा ना, कुछ नहीं कर रहे। मैं चाहूँ वे जेल जाने चाहिए, मेरे बच्चे मेरे पास होने चाहिए। मेरी बेटी के साथ हुआ, लोग कह रहे थे हम रखे नहीं से लेकर भाग भाग साहब, उसका जेठ भी लड़ा, सास भी लड़ी और वो भी लड़ा, ये नंगला का। अब मैंने कहा भैया मैं ले जा रही, तो इसे पिटा तो इसके आदमी ने, और उन्होंने भी सबने बचाया नहीं, और कहीं मार आज ही है जो कुछ, इसे जान से मार दो तुम। इसमें फावले का बिंटा बजाया और एक मेरे भी लग गया, मैं भगी चली गई अपनी लड़की के। किसने बचाया आगे? इसकी जिठानी ने आकर बचाई, मौके पे पुलिस ने आई, अगले दिन बुलाई हमने, जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, जब नो कह दे मुझे भी खेद रहे तू भी भाग। आज मेरे ने अपनी लोंडे बुलाई, जब मेरे भाई उठ रही ना तो उसे 1 मिनट भी ना बैठन दी, जब हमने पुलिस को बुला के और जब इसे ठवाई, फिर हम यहाँ लाए अस्पताल में। बस नहीं चाहा हम उनका कुछ इंतजाम हो, जेल में जावे और इन बच्चों को बस अपना यही मिल जाए खर्चा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।